इम्तियाज जलील ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि वो सितंबर की 23 तारीख को एक रैली निकालेंगे औरंगाबाद से मुंबई के लिए, और उस रैली का मकसद सिर्फ ये होगा कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणा जो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गलत अल्फाज बोलते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, इनके खिलाफ वहां मुंबई में जाकर वो धरना देंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए मांग करेंगे। और सिर्फ उनकी रैली निकल चुकी है, मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। उनकी रैली में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि उन मुसलमानों के साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, और हमारे हिंदू भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने इस रैली में अपनी तरफ से 100 गाड़ियां दी हैं सिर्फ इस वजह से कि ये हमारा आपस का भाईचारा बना रहे। ये कुछ लोग जो हमारे दरमियान ना इतफाकी डालना चाह रहे हैं, ना इतफाकी ना हो। तो इम्तियाज जलील साहब ने रैली निकलने से पहले एक बयान दिया था, आप उस बयान को जरूर सुने कि आपने उस बयान में क्या कहा। इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है 58 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी ये पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है जो मुख्यमंत्री है वो आके कह रहे हैं कि मैं इसको कुछ करना नहीं है, इसको इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं उस स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं, तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं। आपको ये बताऊं हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं, और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, आपने जो पहल की है हम आपके साथ। सर आने वाले हैं तो मौलाना आजहरी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं, उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहाँ पर कोई भी किसी भी जात धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिलवा छोड़े गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा आपने, जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अजहरी जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है, तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब? जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे हम भी कर दे ले तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे ऐसा कानून तो जरूर बनना चाहिए, नहीं करेंगे तो हम चले हैं मुंबई की तरफ जाके, तो संविधान देंगे और याद दिलाएंगे। संविधान में एक ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए कि जिस कानून के जरिए से कोई भी शख्स किसी भी धर्म या जाति के लिए कोई भी ऐसे अल्फाज ना बोले जिसकी वजह से किसी धर्म को ठेस पहुंचे, या किसी के जात को ऐसे अल्फाज ना कहें जिसकी वजह से किसी इंसान को ठेस पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब